आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फाइबर इंडेक्स दे रखा है 1.36 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव डिफरेंस इन इंडेक्स इज डेल्टा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0, दैट इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, फाइंड करना है आपको न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, द फाइबर इंडेक्स इज 1.36 एंड रिलेटिव डिफरेंस इन इंडेक्स इज 0.025। फाइंड द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द एक्सेप्टेंस एंगल। तो हमारे पास जो चीज गिवन है वो है हमारी इसकी वैल्यू। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या देखा है, डेल्टा गिवन है। अगर आपको न्यूमेरिकल अपर्चर की दो फॉर्मूले जो हमने डेरिवेशन किया था तो आपको याद होगा कि हमने डेल्टा कहा था, डेल्टा किसे कह रहे थे हम, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1, और हमने न्यूमेरिकल अपर्चर लिखा था n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इफ n0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब आप इसमें इसके वैल्यू को पुट करके हमने करा था, तो हमने रीराइट करके एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। डेल्टा क्या था आपका, फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो डेल्टा दिया ना आपको, ये कितना दे रखा है, फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.025। ठीक है, अब आपको n1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, n1 की वन था आपके पास 1.36। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू को यहाँ रख देना है, 1.36 ये हो गया, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 0.25। तो अगर हम इससे लिख दें तो न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया हमारे पास, दैट इज n1 इज 1.36 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा, तो 2 × डेल्टा इज 0.025। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1.36, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 0.2236। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर, दैट विल बी फाइनल न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.304 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो आप एक न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू मिल गई, दूसरा क्या हमको निकालना था, एक्सेप्टेंस एंगल। डेफिनेटली थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, या एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, तो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर हमारे पास कितना आया है आपके पास 0.304। अब आप साइन का इनवर्स में देख लीजिए तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17.7 डिग्री। तो ये दो पैरामीटर जो हमको निकालने के लिए कहे गए थे वो था एक न्यूमेरिकल अपर्चर और ये था एक्सेप्टेंस एंगल। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए।